पीपल वेलकम बैक एंड न्यू ब्लॉग। आप कैसे हो? आई होप सो भी अच्छे होंगे, अच्छे रहना। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। एंड आपको पता है मुझे आज का दिन थोड़ा टाइट रहेगा क्योंकि अभी बजे 9:30 एंड मुझे अभी करना ब्रेकफास्ट भी करना है। एंड फिर जाऊँगा मैं पहले वर्कशॉप पे, वहाँ पर पूरा काम वाम कंप्लीट करके देख रख के फिर मुझे आगे गोरेगांव के लिए निकलना पड़ेगा। जो मैं जा रहा हूँ बाई ट्रेन यहाँ से मुमरा से, फिर मैं गोरेगांव के लिए लूँगा, वहाँ से फिर मैं दूसरे वर्कशॉप पर जाऊँगा। तो इसलिए पूरा दिन मेरा ट्रैवलिंग में निकलेगा और वहाँ जाकर भी काम देखना है मुझे। एंड पैकिंग पूरी हो चुकी है, पूरा पैक कर लिया है मैंने, अपना अला बैग पैक कर लिया है। एंड जो मैं आपको अपने होटल का पूरा व्यू दिखाता हूँ एक बार, आपने देखा नहीं होगा, अभी दिखाता हूँ आपको। ये पूरा होटल का व्यू है मेरा, ऐसा था जेल में आ गया। सब बढ़िया भाई? बढ़िया सर। ये होटल का स्टाफ आए कर दो, यूट्यूब पे आओगे कल? अरे भैया वीडियो भाई। ये अपना होटल है दिपेश लॉन्च के नाम से, हमने यहाँ से चेकआउट कर लिया। कितनी गर्मी है ये साथ में भाई चल रहे हैं, बस यहीं तक छोड़ेंगे गेट तक, इनकी ड्यूटी गेट तक ही है। सो ये मैंने अपने होटल से दिखाया था रूम, अरे घाट से ये पूरा हाईवे है। मैं निकल चुका हूँ अपने होटल से एंड वर्कशॉप भी होके आ गया। बस जस्ट अभी मैं मुमरा जा रहा हूँ, मुमरा रेलवे स्टेशन, वहाँ से भी मैं चेंज करूँगा दादरा के लिए। दादर से भी जाऊँगा गोरेगांव, तो वहीं जाके स्टॉप लूँगा और वहीं पर ही होटल देखूँगा। एंड फिर वहाँ से जाएंगे दूसरे वर्कशॉप पर, फिर मिलता हूँ। टिकट ले लिया मैंने गोरे मुंबा मुमरा से गोरेवली की, फिर टिकट ले ली, फिर मुझे मिली 15 रुपये की। अब मुझे जाना है, देखना पड़ेगा कहाँ जाना पड़ेगी, डोरेवली साइड में। सो गाइस हमारा जो काम था वर्कशॉप का वो कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट है। एंड मैं अब जा रहा हूँ अक्सा बीच, क्योंकि मैं वेंटर के यहाँ फोटो वीडियो में भी काम कर रहा था। अब यहाँ से देखता हूँ मैं ऑटो ऑटो लेके सब जाऊँगा। एंड अब जाएंगे यहाँ से अक्सा बीच, अक्सा बीच यहाँ से ज़्यादा 3 से 5 या 6 किलोमीटर ही है, चलते हैं वहाँ पर। अभी ऑटो का वेट करते हैं, एक बार ऑटो देखते हैं, ऑटो आएगा तो तब चले जाएंगे। एंड सो गाइस ऑटो मिल चुका है अक्सा बीच के लिए, एंड बस निकल रहे हैं यहाँ से, हार्डली 5 से 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। मुंबई की पतली पतली गलियाँ। सो पूरा रास्ता पूरा पैक हो रखा था, आज संडे है ना, इतना क्राउड है आज, इतना पूरा रास्ता पैक है। एंड सो गाइस ये है यहाँ का अक्सा बीच, गोरेगांव से नियरली 1 घंटे के रास्ते में, सो अक्सा बीच बोलते हैं। सो क्राउड देखो, आज संडे है सो सब पिकनिक मनाने का रखे हैं यहाँ पर। ऐसा लगा जूह चौपाटी आ गए, जूह चौपाटी में ज़्यादा वो क्राउड हुआ। एंड सो हम आगे तक नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है, बहुत ज़्यादा पानी है वहाँ पे, जूते वूते सब गीले हो जाएंगे। फिर साथ में कोई है भी नहीं साथ में, तो मैं चला जाऊँ जूते उतार के। एंड वहाँ पीछे बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा, पर यही है अक्सा बीच, यहाँ पर क्या सबके सब पूरा फैमिली इंजॉय करने के लिए आ रहे हैं। संडे आज तो मैं भूल गया, संडे है इसलिए पूरा क्राउड हो रहा है, पूरा पूरा। अब थोड़ा हम आगे तक चलते हैं, भुट्टा वुट्टा खाएँगे, देखते हैं
एंड सो ये टीएक्सा बीच है। एंड मुंबई आए तो भुट्टा खाए, यहाँ आए एंड सो हम यहाँ से आ गए वापिस, क्योंकि बीच पे नहीं आए, भुट्टा नहीं खाया तो फिर क्या ही खाया। तो बहुत सारे यहाँ पर काउंटर्स है, भुट्टा के अलग है, पाव भाजी जो साइड लगा हुआ है काउंटर है, मैगी है, सब कुछ है यहाँ पर। और यहाँ से एंट्री है बच्चों के लिए खेलने के लिए। सो गाइस मैं वापस जा रहा हूँ पहले वर्कशॉप, वहाँ से सामान उठाऊंगा, सामान उठाने के बाद जाऊँगा गोरेगांव ईस्ट। कोई कल समय तो सेटअप चलता है गोरेगांव ईस्ट में होगा नेस्को में, तो सो अब पहले जाऊँगा वर्कशॉप से उठाऊँगा अपना सारा लगेज, एक बैग और एक दो बैग होंगे मेरे, वो उठा के सीधा गोरेगांव ईस्ट जाऊँगा। वहाँ जाके देखते हैं, फिर सर्च करूँगा होटल कौन से बेस्ट होगा, वही होटल लूँगा। चलो चलते हैं, यहाँ तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा है, ऐसा लग रहा है भाई पूरी मुंबई उठ के आ गई है। अक्सा बीच में फर्स्ट टाइम देखा मैंने इतना ट्रैफिक और इतना रश, तो समुंदर में था बट आज समुंदर बहुत ज़्यादा पीछे था तो इसलिए हमने आगे तक जा रखे थे, नहीं तो फिर ऊपर ऊपर ही होते ज़्यादातर। तो सही है क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ भी स्टार्ट हो गई है, तो उसके कारण भीड़ भी हो सकती है, क्राउड हो सकता है। एंड यहाँ का भुट्टा थोड़ा अजीब था, यानी मुँह में मिठास टाइप का था, भुट्टा बहुत अच्छा भुट्टा था यहाँ का। एंड जो हम खाते हैं दिल्ली में वहाँ तो अलग ही भुट्टा चलता है, एंड वहाँ थोड़ा हार्डनेस होती ज़्यादा भुट्टों में, इसमें था सॉफ्टनेस थी एंड मिठास ज़्यादा था उसमें। तो सो देखो ट्रैफिक, देखो यहाँ पर अभी तो पीछे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रह गया है, यहाँ ट्रैफिक बंदे आते बंदे पैदल ही आ रहे हैं, बोले कौन लेगा आगे से लेंगे, दूसरे बंदे आगे आ रहे पैदल पैदल। और देखो ट्रैफिक लाइन से पूरा ट्रैफिक जमा है, वहाँ तो पूरा पैक हो रखा साइड में, तो पीछे साइड पूरा पैक है। रॉयल इलाइट एंड ये है गोरेगांव ईस्ट में, जो एग्जीबिशन है उसमें नियर बाई है। एंड यहाँ जो मार्केट है वो लोकल मार्केट है पूरी, मैं आपको मैं दिखाता हूँ एक बार, आप चेकआउट देखिए, एक सेकंड दिखाता हूँ। तो देखिए ये लोकल मार्केट है पूरी, एंड जो मुझे यहाँ का जो ऑटो का जो फेयर पड़ा है 1800 के आसपास, 1800 रुपये के आसपास पड़ा है, उसमें ओनली पानी इंक्लूड है, पानी अगर मिनरल वाटर लोगे तो वो इंक्लूड है, बाकी अगर बिस्लरी लोगे वो आपको अच्छे से पे करना पड़ेगा। एंड यहाँ के जो रूम है अगर सिंगल अगर बंदा को लेना चाहता है तो उसके सिंगल के लिए भी बहुत अच्छा होटल है, एंड डबल के लिए भी कम से कम वो आपको 3200-3300-3400 के आसपास यहाँ पड़ जाएगा। एंड मैं तो सिंगल रूम के लिए सिंगल रूम मुझे 1800 के आसपास पड़ा है, एंड आप आओ तो आप यहाँ आ सकते हो। बढ़ गया है मेन हाईवे पे, जगह बंदा कोई हाईवे से आ रहा है तो नियर बाई हाईवे पे है, मात्र 500 मीटर की दूरी पे ही। सो मैं कल यहाँ से चेकआउट करके फिर दूसरी जगह जाएंगे, पहले मैं एग्जीबिशन जाऊँगा सुबह मॉर्निंग में, उसके फिर आप बताता हूँ आपको कहाँ कहाँ जाएंगे। चलो चलते होटल के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ रूम कैसे हैं। सो होटल की लॉबी है ये, सो ये हमारा रूम है, पूरा फैला पड़ा है, टीवी एसी सब है, पूरा फैला पड़ा है। एंड सो मैं आज की वीडियो यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज उसको लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना, एंड मैं कहीं बोलता नहीं हूँ बट आप बोल रहा हूँ, उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, बाय।